ऑल द बेस्ट। प्रैक्टिस करते हुए अंपायर जी कुछ पानी वाली भेजो, कुछ पानी वाली अंपायर जी की लेकर मुझे पानी लेके जाए प्लीज प्लीज। किया जा रहा है यहाँ पर दोनों काफी बढ़िया थी, एक बहुत ही शानदार मुकाबला होगा ये मैच। के सभी चाहते लोगों को रिक्वेस्ट है कि ये गेम मिस ना करें। एक तरफ है वांका विलास पूरी यंग ब्रिगेड टीम और एक तरफ है अवेंजर्स पूरी हैवी रेटेड टीम। काफी गर्म को साफ सफाई किया जा रहा है, यह इंपॉर्टेंट मैच है। कैसा जी गेस्ट डेफिनेटली वांका वाले एकदम परफेक्ट है। आप बैट्समैन को देखिए, उनको ध्यान एकदम क्लियर चाहिए, एकदम साफ चाहिए, मतलब यह मैच एकदम अंपायर से रेडी। अंपायर के लिए पानी दिया जाए प्लीज। मैं कब से बोल रहा हूँ अंपायर के लिए पानी दिया, कब से बोल रहा हूँ, कोई सुनता नहीं है। बॉलर्स नेम प्लीज, बॉलर का नाम महावीर। महावीर जी बॉल डालेंगे, शुरुआत करेंगे अवेंजर्स की बॉलिंग की। स्कोर पर
चलेगा चलेगा दो रन से, चलेगा दो रन से, लाइन रन से भड़कते हुए माहौलर वाटा के प्लेयर्स काफी डीगी है। प्रॉपर लाइन रन वाली बॉलिंग भी चलेगी बॉलिंग की, तो ये पिच होकर फेंक गई बॉल। एक रन के लिए फील्डर वहां पर मौजूद पर बीस रन से एक रन से खाता बनेगा वाटा का। सिंगल सिंगल पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, यहां पर यंग ब्रिगेड है, चार रन स्कोर है वाटा का। शांतिपूर्ण मैच होता हुआ, दोनों ही टीम बढ़िया परफॉर्मेंस देते हुए भावे जी कंटिन्यू करेंगे। अल्पेश जी आप कौन से टीम को सपोर्ट करने आए हो? जी लक्ष्मी गौर साहब बोलिए। बढ़िया फील्डिंग एक रन आसानी से लिया गया वहां पर। मैं अनुरोध करूंगा अल्पेश जी को मेरे साथ कॉमेडी बॉक्स इधर। अल्पेश जी का हार्दिक स्वागत है। बहुत ही बढ़िया मुकाबला चला हुआ है यहाँ पर, टैप किया एक रन के तुरंत, बहुत ही बढ़िया गलीबाज जी धनिंग द्वारा। हेलो सोनू काफी प्रोफेशनल कॉमेंटेटर है यहाँ पर। धन्यवाद अल्पेश जी, आपने मुझे मौका दिया था आपके ओवरऑल क्रिकेट में कमेंट्री करने के लिए, दूसरी ग्रुप में हमने पार्टिसिपेट भी किया था, काफी मजा आया था। थैंक यू सो मच। एक ओवर की समाप्ति, सात रन स्कोर है वाटा गुलास का, अब तक कोई भी विकेट उन्होंने लूज नहीं किया है। बढ़िया शो का बॉलर का नाम मनोज भाई, अल्पेश भाई के बड़े भाई हैं मनोज, बड़े भाई मनोज भाई, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी अब तक मनोज बड़ी गेंद लेकर। बढ़िया गेंद यहाँ पर बढ़िया गेंद 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 जिम्मेदार बल्लेबाज काफी बढ़िया शॉट, दो रन से बढ़ता हुआ खाता। भावे एक्सपर्ट है ये चीज करने में, आप कभी भी गेंद डालिए उन्हें पता है उन्हें कहां मारना है, फील्डर के या तो दरार उतर जाएगी या गैप में। बढ़िया शॉट का प्रयास, बदलिस हुआ फील्डर्स गेंद, मनोज भाई कोई भी लूज डिलीवरी नहीं डालते हुए। बढ़िया अटैक द्वारा रिस्की रन लिया गया था यहां पर, भागे निराश उनके साथी प्लेयर चेतन से। स्कोर बॉल स्कोर स्कोर एक ओवर तीन गोल बारह रन बना के मनोज जी काफी अच्छी बोली बात हुए, एक्स्ट्रा सोरी कटल करने होंगे मनोज जी को। जाने से बचा दिए उन्होंने, काफी अच्छे वाटा है, वाटा का पूरा प्रयास है यहाँ पर अच्छे शॉट्स के लिए जाए, बड़ा से बड़ा टारगेट दिया जाए हमें दूसरे। अच्छी गेंद और अच्छा सम्मान किया भावे ने, टैप किया कट किया बॉल को, बढ़िया शॉट मिस फील्डिंग
बट बाउंड्री पे एक अच्छा फील्डर रखा है उन्होंने। दो ओवर की समाप्ति 16 रन बनाकर रखा, काफी बढ़िया स्कोर। अब तक एक भी विकेट लूज नहीं किए रंगा ने एक प्रोफेशनल बैटिंग करते हुए। काफी अच्छी बैटिंग का गुजारा करते हुए तीसरी ओवर बॉलर्स ने रोहित ओवर की शुरुआत करेंगे। रोहित जी बैटिंग बॉल भावुल काफी बढ़िया शॉट फिल्टर्स के लिए साइड के ऊपर को टैप किया भावुल ने। इसी चीज के लिए स्पेशल है, इसी चीज का टैलेंट है लोग हैं। एक रन काफी बढ़िया से चुपाते हैं भावुल। बढ़िया शॉट सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत करता है। काफी अच्छी बैटिंग करते हुए ये भाई बोल गए भाई के भाई को तरफ का रन का चांस, इसे कहते हैं रन चुराना। काफी बढ़िया रनिंग, इतने अलर्ट है भावे कि कई बार के बैट्समैन के साथ बॉलर को भी कंफ्यूज कर देते हैं भावे। दो ओवर दो बॉल के विषय काफी अच्छी बैटिंग करते हुए मंटा विलास बढ़िया शॉट अच्छी फील्डिंग अच्छी फील्डिंग मारी द्वारा पीछे एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा टीम मंटा द्वारा भावी को। महावीर जी ये टीम की जान है, काफी अच्छी फील्डिंग करते हुए बढ़िया शॉट क्या रनिंग बिटवीन द विकेट से गेंद की सिर्फ आप बैट को पॉइंट टच करिए और रन भागिए, यही अच्छी स्ट्रैटेजी है वांडा की। कोई बॉल मिस भी हो जाए तो भी ये रन ले लेते हैं, इतने स्पेशल है गोलू प्लेस। टू पॉइंट फोर पॉइंट है फिर से टैप किया, दो रन बचाने का प्रयास बोला जा रहा है फील्डर द्वारा बट दो रन से बढ़ेगा खाता 27 रन। अब तक एक भी विकेट मिस नहीं किए है, आधी इनिंग खत्म हो गई है बैटिंग की। बढ़िया टैप, काफी अच्छी गेंद थी ये। तीन ओवर की समाप्ति पे 28 रन 28 तीन ओवर की समाप्ति 28 रन बोर्ड पर एक बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। इधर से अगर मांटा और 20 से 25 रन बना लेती है तो बहुत ही अच्छा स्कोर होगा, बहुत ही बढ़िया और चैलेंजिंग स्कोर होगा एवेंजर्स के लिए। अगला ओवर महावीर जी ने काफी अच्छी फील्डिंग की है। ये देखिए महावीर जी का कमाल, एक अच्छी कैच कीपर द्वारा, ये काफी टाइम से जरूरत था ये एवेंजर्स को एक विकेट लेना। सेट हो गए तो चेतन कहीं विकेट लूज किया होता न्यू बैट्समैन गए भावी आएंगे मंडल टीम को संभालने। महावीर जी पहली गेंद पर यहाँ पे कदम बोल कदम कदम प्राप्त हुए कीपर द्वारा शॉट शेक शॉट अभी यहाँ पर एक बिना आसानी से चुराया भावी की स्ट्राइक। काफी समय से खेल रहे हैं भावी कैप्शन रन बचाया यहाँ पर दो से एक रन बचाया मनोज जी ने। मनोज भाई के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, बहुत ही बढ़िया टीवी मनोज भाई द्वारा। महावीर जी काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए और विकेट की तलाश है, अब तक कोई भी एक्स्ट्रा स्कोर नहीं डाले हैं महावीर जी ने। अच्छा शॉट हाथ में दिया रन आउट करके और ये रन आउट होंगे। रन दूसरा विकेट यहाँ पर महावीर जी के ओवर में बैक टू बैक विकेट गिर रहे हैं, दो विकेट वांडा के चले गए और स्कोर बोर्ड भी जो इतनी अच्छी तरह मूव कर रहा था उस
को शॉक कर दिया। आशीष ये जो न्यू बैट्समैन जो लॉन्ग स्ट्राइक पर रहेंगे, लॉन्ग स्ट्राइक पर मेरे आशा काफी अच्छी पूरी एक रन लेने से नहीं रख पाएंगे भाभी को और आशीष को। काफी अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं एवेंजर्स। ओवर की टाटा के स्कोर में रुक गए हैं अभी, दो विकेट गिरी नहीं है ओवर में। काफी अच्छा ओवर काम रहेगा ये एवेंजर्स के लिए। एवेंजर्स ने यह ओवर में काफी वापसी की है, दो बॉल का पावर अटैक किया, मिस फील्डिंग हुई। ये मेरा बेस्ट वक्त लो प्लस टू तीन रन से बढ़ेगा। बढ़िया शॉट टैप किया रानी जी का प्रयास है रोकना का, क्योंकि ऊपर से गई अच्छी फील्डिंग अच्छा थ्रो। 35 इज द स्कोर ऑफ द कंप्लीट ऑफ द कंप्लीटिंग 4 ओवर्स 4 ओवर 35 रन 4 ओवर की समाप्ति पर। आखिरी 6 बॉल आखिरी ओवर है, ये पावर तोड़ लिया है यहां पर टाटा की टीम ने। इसमें सिर्फ दो ही प्लेयर पीछे रहेंगे, चिराग पावर ओवर संभालने आ गए हैं। टाटा को अच्छा स्कोर सेट करना है तो इस ओवर में पावर तोड़ करने बाजी की जरूरत है। आपको क्या लगता है कितने रनों पर रोक पाएंगे आपका यहां से टाटा की टीम अटैक करेगी? जब तक मुझे नॉलेज है इस टीम के बारे में, इनके पास काफी अच्छी काफी डीप बैटिंग लाइनअप है। अगर इस ओवर में 10 रन से 12 रन भी बना पाते हैं तो 45 से 47 रन का टारगेट एक काफी चैलेंजिंग और अच्छा टारगेट होगा एवेंजर्स के लिए। काफी मेहनत लगेगी बनाने में। फिर तो डेड बॉल से पहले बैट्समैन रेडी नहीं थे शायद, हम पहले का बॉल डेड बॉल। बढ़िया शॉट टैप खेल रहे हैं यहाँ पे कंफर्टेबली, काफी बढ़िया फील्डिंग रोहित की। एक रन से ज्यादा नहीं ले पाएंगे बांटा एवेंजर्स टीम। धीरे धीरे इस मैच में वापसी करते हुए स्टार्टिंग के 2 ओवर के बाद उन्होंने काफी बढ़िया फील्डिंग की है, काफी अच्छी बॉलिंग की है। बढ़िया शॉट नो बॉल इस बॉल पर मुंबई और एक अच्छा हिट लगाने का प्रयास, एज लगी और बाउंस खाकर कीपर के हाथ में। भावुल अब तक बैटिंग करते हुए ओपन किया था भावुल ने। Thank you.
क्षेत्र में उन्हें पकड़ कर रखा है रोहित ने, और जैसे कि चिपक गए हैं और मुझे तो भी आगे नहीं जाने दे रहे हैं। हाइट में थोड़े शॉर्ट होकर फील्डिंग से कोई कह नहीं पाएगा कि उनकी हाइट इतनी छोटी है, इतनी अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। फिर से वाइट बॉल, बॉलर यहाँ पर प्रेशर में आ रहे हैं जिसकी कोई नेसेसरी नहीं है। काफी अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने, उनके पहले बॉल अच्छी गई है। बढ़िया शॉट आगे निकलने का प्रयास, एक रन मिलेगा यहाँ पर आशीष को, काफी अच्छा प्रयास कर रहे हैं आशीष। भैया की लास्ट बॉल है, यहाँ पर देखना होगा आशीष क्या कर पाते हैं। मैंने जैसे शुरुआत में कहा था 45 के ऊपर कुछ भी स्कोर बनता है तो एक चैलेंजिंग स्कोर होगा। काफी बढ़िया शॉट, दूसरा रन लेने का प्रयास, यहाँ पर लगने के बाद जिस टाइम पर लगी है होता है थ्रो, काफी अच्छी प्लेयर, काफी बढ़िया वापसी कहेंगे हम एवेंजर्स की। आप अगर एवेंजर्स को खेलना जीतना है तो जीतने के लिए एवेंजर्स को देखना होगा शुरुआत करने का आता है उनकी तरफ से। घंटा बिना हमने काफी अच्छी बैटिंग की, भावी ने यहां पर जैसे कि स्कोर को पकड़ कर रखा था, जैसे ही वहां भावी की विकेट गई स्कोर में क्या 46 रन चाहिए वो जीतने के लिए। अब देखना होगा कि अच्छा स्कोर को सेट किया है घंटा ने, अब बॉलिंग में क्या कमाल कर पाते हैं। जहां तक मेरी नॉलेज है उनके पास काफी बढ़िया बॉलर्स हैं, पर यहां पर बैटिंग टीम भी काफी बढ़िया लग रही है, काफी स्ट्रांग लग रही है, एक काफी अच्छा मुकाबला होगा, बहुत ही मनोरंजक मुकाबला होगा। ये मुझे भी बेहतर करने हैं जिन्होंने बाउंड्रीज बचाई थी अपने टीम के लिए। नॉन स्ट्राइकर्स भी प्लीज, भगवती जी के समान मनोज भाई काफी बड़ा लक्ष्य दिया है एवेंजर टीम को। 46 रन चाहिए, अंपायर्स के लिए पानी लाया जा रही है, सेकेंड बॉल दे रहे हैं ये इनिंग के बाद। प्लीज कमेटी मेंबर्स है, अभी कमेंटेटर को ही पानी लेके आना पड़ेगा उनका जी के लिए। गेंदबाजी की, अब फील्डिंग सेट हो गई होगी बॉलर्स नेम भावी। जहां तक मेरा अनुमान है ये बॉक्स क्रिकेट के चैंपियन बॉलर है, चैंपियन बैट्समैन, बॉलर एंड फील्डर, ओवरऑल चैंपियन प्लेयर है भावी। देखना होगा एवेंजर्स कैसे फेस करते हैं इन्हें। पानी देने के लिए धन्यवाद सर जी आपका। सिक्स रन यहां पर रिक्वायर है विनिंग के लिए एवेंजर्स को। काफी रोमांचक मुकाबला होगा ये, भावी पहली ओवर लेकर तैयार रोहांटा की तरफ से। बढ़िया गेंद,
मैंने जैसे आपको पहले कहा था भावल एक चैंपियन बॉलर है, जहां तक मेरा भावल को जानता हूं he is one of the most talented bowlers we all have ever seen. पहला विकेट एक भी रन नहीं किया और मनोज जी यहां पर वंडा मारेंगे अपने टीम की कमान संभाल रहे हैं. भावल टू मनोज. बढ़िया शॉट, काफी बढ़िया शॉट, एक पॉजिटिव एटीट्यूड का शॉट रहेंगे. यह एक रन अपने टीम का खाता खोलते हुए मनोज जी काफी अच्छा शॉट था. ये ड्राइव किया बढ़िया गेम ब्लॉक होल में, सीधे ब्लॉक होल में और ये ड्रॉप बॉल. बढ़िया गेम दिशा से बटके राइट बॉल. यहां पर एक अतिरिक्त रन मिलेगा यहां पर बैटिंग टीम को. काफी अच्छा शॉट, काफी अच्छा फील्डिंग और यह मिसफील्ड किया यहां पर कीपर ने जिसकी कोई जरूरत नहीं थी. जिनेश जी काफी अच्छी फील्डिंग की है उन्होंने, दो रन बचाए टीम के लिए और एक विकेट का चांस भी दिया था टीम को. एक बैट मिसफील्डिंग हुई कीपर चेतक से और एक रन एक्स्ट्रा मिलेगा. जीवन दान तो मिलेगा ही बगैर एक रन एक्स्ट्रा भी मिलेगा बैटिंग टीम को. सुपर बॉबी स्मिथ से बात खेल में एक बार की सलाती चार रन स्कोर, 42 रन स्कोर रिक्वायर्ड फॉर एवेंजर्स टू विन इन 24 बॉल्स. एग्जैक्टली दो रन स्कोर करना है पर्सनल रिकॉर्ड में. चेतन कीपिंग की कमान संभालने के बाद अब बॉलिंग की कमान संभाल रहे हैं चेतन. एक टॉप लेवल का परफॉर्मेंस फिलहाल बॉलिंग में नजर आ रहा है हमें बांटा की टीम से. बैटिंग टीम को अच्छा स्कोर करना होगा, उन्हें अपने शॉट्स खुद बनाने होंगे. पहली डॉट बॉल के बाद यहां पर दो रन मुफ्त में मिले टीम को. ईशानी गेंदबाजी की पर कुछ नहीं कर पाएंगे, दो रन से बढ़ेगा पता. बढ़िया शॉट टैप खेल रहे हैं यहां पर, जो सबसे सेफ शॉट है बॉक्स में टैपिंग. अब टैप करके दो रन बनाइए, एक बनाइए, सेफ शॉट आ जाता है बॉक्स में. बढ़िया शॉट, स्ट्रेट मारने का प्रयास, अच्छी फील्डिंग, बॉलर को पास देते हुए बॉलर से थोड़ी सी मिसफील्डिंग बट अच्छा बैटअप. सुपर परफॉर्मेंस बाय नाटा. बढ़िया शॉट आ गया कि मिसफील्डिंग यहां पर प्लेयर से आशीष से कम देखने मिलता है उनसे मिसफील्डिंग. अभिषेक सोनू दिल्ली कीपिंग की कमान संभालते हुए. काफी अच्छा थ्रो था, कलेक्ट नहीं कर पाया अभिषेक. एक टॉप लेवल की फीलिंग यहां पर देखने मिल रही है वांटा की टीम से, बट उनके कुछ प्लेयर्स थोड़ा सा फंबल करते हुए विकेट का चांस बनकर भी ना विकेट आ रही है टीम के लिए, विकेट नहीं आ रही है. कंफ्यूजिंग बॉल वाइट समझ रहे थे मनोज जी पर यह यात्रा होगी. दो ओवर की समाप्ति, 10 रन स्कोर है रेंजर्स का 18 गेंदों में, 36 रन की जरूरत, हर ओवर में 12 रन की जरूरत रन रेट के हिसाब से. भावेल अपना
मजिस्ट्रेट अगर लेकर आए हैं यहाँ पे फेंकना पड़ेगा यहाँ पर एवेंजर्स को, यहाँ से एवेंजर्स को अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज करनी होगी, मुझे थोड़ा पेस लाना होगा अपनी बैटिंग में, थोड़े रन्स कैच स्कोर करने होंगे, एक का दो करना होगा, एक रन की जगह दो रन लेने होंगे। बढ़िया शॉट, अच्छी गेंद सर, इससे बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया गेंदबाज भावे, बढ़िया शॉट, छूटा जहां पर एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा एवेंजर्स को, बैट्समैन प्रयास करते हुए लेकिन पंडाविलास की फील्डिंग लाजवाब। चक्का देने वाली गेंद, बढ़िया शॉट, बढ़िया बॉलिंग, अच्छी फील्डिंग, हर एक गेंद के बाद यहां पर एक अच्छा फील्डिंग, एक अच्छा बैटिंग देखने मिल रहा है। दिस इज द मोस्ट एंटरटेनिंग गेम इन द एंटायर डे, काफी रोमांचक बॉल, काफी रोमांचक मैच। की मिस, एक भी अब तक मिस बॉल देखने नहीं मिली है हमें भावे द्वारा, दिस इज द टैलेंट ऑफ दिस बॉल। बढ़िया शॉट यहां पर, काफी अच्छा शॉट, ऑफ साइड बहुत स्ट्रॉन्ग है मनोज भाई का, ऑफ साइड काफी अच्छा खेलते हैं मनोज, थोड़ा सा फील्ड में परिवर्तन, बढ़िया शॉट, बढ़िया गेंद, ये फील्डर्स यहां पर खेलने में आसानी हो रही है बैटिंग टीम को। अब तक कंडीशन ऑफ 3/17 रन इज स्कोर ऑफ एवेंजर्स, आखिरी दो ओवर में उन्हें उनतीस रन की जरूरत है आखिरी दो ओवर में, और यहां से एवेंजर्स को ज्यादा से ज्यादा बाउंड्रीज मारनी होगी। बॉलर्स नेम रेहुल, अब तक दो बॉलर्स यूज किए हुए मांगा ने और दोनों ने अपना काम बखूबी किया है, भावी लोग ने दो ओवर कंप्लीट कर लिए हैं, अब दोनों बॉलर्स फ्रेश होंगे, पावर प्ले हो रहा है, पावर प्ले यहां पर बैटिंग टीम का काफी अच्छा डिसीजन लग रहा है कि इस लेवल पर पावर प्ले लेकर होगा उनका एक प्रयत्न किया जाए और बाउंड्री स्कोर करने की प्रयास किया जाए। बढ़िया गेंद, बढ़िया शॉट, बट फील्डिंग इस लेवल पर इस टाइप की फील्डिंग ही आपको बचा पाएगी, आपका गेम बचा पाएगी। शॉट कैच, ये बैट्समैन, ये प्लेयर जो मैंने इस मैच के शुरुआत में कहा था कि काफी टैलेंटेड प्लेयर है भावे, वो शायद जैसे कि मेरे वर्ड्स सही कर रहे हैं, उन्होंने काफी अच्छी बैटिंग की है, बॉलिंग कंप्लीट और गेम कैच सुपर, एक तरफ गिरकर कैच पकड़ा भावे ने, इस प्लेयर या अकेला प्लेयर काफी है नौ प्लेयर्स के लिए, या अकेला उसका परफॉर्मेंस वन साइड। बैट्समैन नेम प्लीज, बैट्समैन नेम प्लीज, शुभ शुभम कैप्टन रोल डिंग फ्रॉम द फ्रंट भावन, स्टंपिंग बिहारी बल, स्टंपिंग न्यू बैट्समैन, बैट्समैन डे एक दिन बंद रहेगी, नॉन बैट्समैन किशन, किशन इस बार बाहर, किशन काफी जल्दी आता ढूंढेंगे अपने लिए, किशन बहुत सही है, प्रयास काफी अच्छा बैटअप, और जो बोला बॉलर की तरफ से अपने काम ऊंची करते हुए, Yeah.
तो ये शॉट, उससे अच्छी फील्डिंग, ये मैंने हर गेम के बाद कहा है बढ़िया शॉट और बढ़िया फील्डिंग, क्योंकि वांटा की फील्डिंग इस लेवल की रही है इस स्टेज पर। खतरे में थे मनोज भाई पर नॉट आउट होंगे मनोज भाई। अब एक अच्छे और अच्छा शॉट ही ये गेम को बचा सकती है, बैटिंग टीम को फिट करना होगा काफी अच्छे से। बढ़िया शॉट, ये तो 5 साइड मार दिया है, इस गेम में 6 रन नहीं है मेरे भाई, आपको 4 ही मारना होगा। रिंकू, सॉरी सर रिंकू, मनोज भाई पर कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा रन बनाए अपनी टीम के लिए। बहुत ही कमजोर फील्डिंग, आशीष बहुत अच्छे से फील्डिंग, एक फील्डर यहां पर एक्स्ट्रा रन देने को नहीं रेडी है। डेड बॉल होगी, बॉलर रेडी थे, बैट्समैन रेडी नहीं थे, बैट्समैन अपना समय लेना चाहते हैं इस लेवल पर। बहुत ही बढ़िया गेंदबाज आज भी बहुत आउट हुए, बहुत ही बेहतरीन मांडा विलास की टीम, मांडा विलास की टीम में ऐसे फील्डर्स आए उन्हें कहीं भी खड़ा कर लिया वो वहां पर फील्डिंग करेंगे। भैया शायद 1 मिनट नहीं मिलेगा, अपील यहां पर आई रिक्वेस्ट जो भी विनिंग टीम है उनके कैप्टन स्टेज पर पूरे जाए प्लीज, हमारे पास बहुत कम समय है, जल्दी आइए। कप्तान वगैरह देखते हुए हर का शॉट दो खोलने पर हिट हो गया आशीष की टीम, भावी लगे इसी होते हुए ऑलमोस्ट ये गेम बांटा का है, फिर भी हम इतना अटैकिंग खेल रहे हैं, ये इनका पॉजिटिव एटीट्यूड है मैच के टूवर्ड्स, क्रिकेट के टूवर्ड्स। बैट को बॉल संपर्क नहीं होता यहाँ, बॉलर झुक कर बहुत ही बेहतरीन गेंद की फील्डिंग, वांटा बैटिंग कर रही है बॉलिंग कर रही है ऐसा लग रहा है दुश्मन निकाल रही है अपनी किसी से, मैच यहां पर खत्म, वांटा जीत चुकी है। लेकिन इस परफॉर्मेंस के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए प्लीज, वांटा